पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगवान राम का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। भजन कीर्तन समूह में किया जाता है। भजन करने को तो व्यक्ति अकेले भी करता है, लेकिन जो समूह में किया जाता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ये बात कथावाचक रमेश भाई ओझा ने श्री राम कथा अमृत महोत्सव के पांचवें दिन कही। कथा बुद्धि विहार स्थित ब्रेड फैक्ट्री के सामने कथा स्थल पर चल रही है। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट और श्री राम कथा अमृत महोत्सव ट्रस्ट के तत्वावधान में यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह रहे। रामकथा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में मौजूद रहे। रामकथा सुनकर पंडाल में मौजूद भक्त भाव विभोर हो गए। कथाव्यास रमेश भाई ओझा ने कहा कि हनुमान जी लंका गए और वहां पर उन्होंने रामकथा कही, जिसको विभीषण ने सुना। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उनको सदैव राम भजन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज जरूरत है तो राम भजन करे, जैसा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद जाने लगते हैं। भगवान केवल बनाने वाले ही नहीं बल्कि बनने वाले भी वही है। और हमारे
डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट से उनकी धर्मपत्नी है, उनका स्वागत अभिनंदन है। और हमारे सामने हमारे बीच में है एस सी सिटी अखिलेश जी, उनका अभिनंदन और स्वागत आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूज्य भाई श्री जी से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।